ॾिसो त हिननि फलनि जो ख़ुशबू ऐं चौधारी फैलियल आहे। असांजी दिलि थी आहे त देख सघते हो शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही हैं। और ये बहुत ही अच्छा मंदिर, मतलब ये बहुत ही ओल्ड मंदिर, ये पुराना मंदिर है, ये सिंध पाकिस्तान में सबसे बड़ा मंदिर भी है और बहुत पुराना मंदिर भी है, देख सकते हो आप लोग। हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड जय श्री राम, स्वागत है मेरे अगेंस्ट एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं सिंध पाकिस्तान जो माता शेरा वाली का मंदिर है वही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि ये शेरा वाली माता का सबसे बड़ा मंदिर है ये सिंध पाकिस्तान में, ये आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ आज। तो फिलहाल मैं जो मेन गेट है उसके ऊपर बाहर खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हो, और ये मंदिर चलता हूँ अंदर और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो बाहर जो है ना पिक्चर, बाहर मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई देख सकते हो आप लोग। और ये मंदिर है माता शेरावाली का। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, अभी चलता हूँ अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते शेरावाली माता का मंदिर, मैं बाहर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ देख सकते हो। तो अभी चलता हूँ अंदर। तो फ्रेंड्स, ये पूजा वगैरह कर रही महिला, ये पुराना पेड़ है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही हैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी चलता हूँ अंदर। और ये शिव की मूर्ति लगी हुई है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो मूर्ति लगी है और छोटे छोटे बच्चे जो है ये पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और ये शिव भोलेनाथ की मूर्ति बनी हुई है, देख सकते हो आप लोग। और फ्रेंड्स, ये ऊपर मूर्ति बनी हुई है आप लोग देख सकते हो। और ये साईं बाबा की मूर्ति बनी हुई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा वगैरह हो रही है, यहाँ पर पूजा हो रही है, देख सकते हो आप लोग। और फ्रेंड्स, ये माता का मंदिर है, ये मूर्ति लगी हुई देख सकते हो आप लोग। थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको, बहुत ही बड़ा मंदिर है, ये अच्छा बना हुआ है, साइड में देख सकते हो आप लोग। और ये हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और कुछ महिलाएं यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो कुछ हमारी महिलाएं जो ये भी जो यहाँ पर जो जिंदगी कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो श्री राम की मूर्ति लगी हुई है, देख सकते हो आप लोग। आरती गा रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी आरती गा रहे हैं, देख सकते हो मंदिर में। और यवन वगैरह हो रहा है,
और ये हमारा गीता जी बुक्स वगैरह पढ़े हुए देख सकते हो आप लोग। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो और ये श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई देख सकते हो आप लोग। और फ्रेंड्स ये शेरा वाली माता की मूर्ति लगी हुई आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आगे चलता हूँ और आगे आप लोगों को कुछ दिखा रहा हूँ देख सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं आगे चलता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ और ये श्री राम आप लोग देख सकते हो। और ये श्री हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई देख सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो पीछे जो शिव महादेव की मूर्ति बनी हुई है और ये बहुत ही अच्छा मंदिर, मतलब कि बहुत ही ओल्ड मंदिर, ये पुराना मंदिर है, ये सिंध पाकिस्तान में सबसे बड़ा मंदिर भी है और बहुत पुराना मंदिर भी है देख सकते हो आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स ये देख सकते हो मैं भी मंदिर के जस्ट सामने अंदर हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक काली माता की मूर्ति लगी हुई है आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से मैं व्यू मंदिर का दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गीता वगैरह पढ़ी जा रही है। वो ही सबब आए जो इन बन जे वणन में पकल फल लगल आयन, इस त इन्हनि फलनि जो खुशबू ऐं चौधारी फैलियल आहे। असांजी दिलि थी आहे त अॼु सभु गॾिजी इहे पकल फल ख़ूब खायूं। अचो त वणनि मां के फल हेठि किरायूं। श्री परशुराम जी चयो त गोपियुनि जा इहे लफ़्ज़ ॿुधी बलराम बि गोपनि जी इहा सलाह मञी केतिरा ई फल वणनि मां हेठि किराया। कृष्ण पोइ किन फलनि खे हेठि किराइण जी कोशिशि कई। किरियल फलनि जो आवाज़ु ॿुधी दिनकासर गुस्से में उथी डोड़ी आयो। उन ताक़तवर असुर पुठियनि ॿिनि पेरनि सां बलराम जी छाती में लतूं हयूं। बलराम ज़ोर सां हिन जे पेरनि खे वठी काबू छॾियो ऐं पेरनि खे पकड़ी उन दनकासर खे मथे आसमान में घुमाइण लॻो। बलराम जे ज़ोर सां घुमाइण करे उन दैत जो साह ई हलियो वियो। उन गदे किंदे ताल वण मां केतिरा ई फल अहिड़ी तरह त किराए छॾियई जीअं सख़्तु तूफ़ान ककड़नि खे किराए छॾे। उन गदे जा केतिरा ॿिया बि ज़ात भाई गदे उते आया ऐं कृष्ण बलराम खे बि मारे छॾियो। उन ॾींहं खां वठी तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये भी मूर्ति बनी हुई है बहुत अच्छी। और यहाँ पर हवन वगैरह होता है। और ये श्री गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। Thank you.
और फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये जल देव चढ़ा रहा है, ये जो पीपल का पेड़ है उसके ऊपर भैया जी आप लोग देख सकते हो, और ये माता जी जो है शिवलिंग छोटा सा बना हुआ है उसके ऊपर जो पूजा कर रही है, और ये शिवलिंग बना हुआ देख सकते हो आप लोग। और फ्रेंड्स ये भी शिवलिंग बना हुआ है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।